हमारे आज के इस वेबिनार के अतिथि वक्ता डॉक्टर सूफिया यास्मीन जी का परिचय करवा देता हूं और उसके उपरांत वे अपना मंतव्य रखेंगे। डॉक्टर सूफिया यास्मीन जी, आपकी शिक्षा एमए पीएचडी विद्यावाचस्पति तक हो चुकी है और वह भी विश्व भारती शांति निकेतन, जहां गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ज्ञान और विद्या का एक ऐसा वटवृक्ष खड़ा किया है जिसके अंतर्गत संपूर्ण भारतवर्ष पनाह ले रहा है। आप इस संप्रति आप विद्यासागर महिला महाविद्यालय कोलकाता में हिंदी पढ़ा रही हैं। आपने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपके शतशह आलेख प्रकाशित हो चुके हैं और आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर पुस्तक लिखी है, नागार्जुन के उपन्यासों में स्त्री, बाबा नागार्जुन, जो प्रगतिशील विचारधारा के सबसे प्रधान कवि और उपन्यासकार थे, उनके उपन्यासों में स्त्री इस विषय की आपने पुस्तक लिखी है। आपको अनेक सम्मान प्राप्त हो चुके हैं जिनमें ललित देन शारदा सम्मान, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय किशनगढ़ की ओर से आप सम्मानित हो चुकी हैं। ललित देन कश्मीर की एक बहुत महत्वपूर्ण संत कवियत्री थी, उनके नाम से आपको, अर्थात आप भी एक संत कवियत्री ही हैं। इसके उपरांत आपने अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सहभागिता की है और केवल सहभागिता नहीं अपितु सक्रिय वक्ता के रूप में आपने अपना अवदान दिया हुआ है, जिनमें से राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन प्रजा संस्कृति शोध संस्थान वृंदावन द्वारा आयोजित संगोष्ठी में आपने वक्ता के तौर पर हिस्सा लिया था और आपने जो विषय रखा था वो विषय अपने आप में एक अद्भुत विषय है, वैष्णव पांडुलिपियां। वैष्णव संप्रदाय जो हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण संप्रदाय है, जिसके अंतर्गत दक्षिण के आलवारों से लेकर के कश्मीर तक बहुत बड़े विष्णु को मानने वाले, विष्णु के दशावतारों को मानने वाले हैं, उनके संतों की पांडुलिपियों पर आपने प्रवचन दिया है, व्याख्यान दिया है। आपने एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी जो तमिलनाडु में हुई थी, तमिलनाडु की हिंदी साहित्य अकादमी चेन्नई द्वारा आयोजित की थी, उसमें भी आपने वक्ता के तौर पर सक्रिय सहभाग लिया है और आपने हिंदी साहित्य में पश्चिम बंगाल का योगदान, शायद ये विषय आपने बांग्ला भाषा में ही रखा होगा क्योंकि आपका विषय है बंगालेर अवदान, अवदान तो बहुत ही, मतलब आपका बंगाली भाषा पर भी अवदान शब्द है, उस शब्द का अवदान, ठीक है, जो बांग्ला में है वो अवदान शब्द है, अवदान, अच्छा अच्छा ठीक। साथ ही आपने दयाल बाग आगरा द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में हमारे भारतीय राजाओं में सर्वश्रेष्ठ राजा जिन्हें माना जाता है ऐसे सम्राट विक्रमादित्य, तथ्य एवं अवधारणा पर भी आपने विषय रखा है। आपने अमेठी, जो मलिक मोहम्मद जायसी जी की पुण्यभूमि है, अमेठी उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में आपने एक विषय रखा था, बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विषय रखा था, समाज के निर्माण में साहित्य की भूमिका, और आपको अनेक सम्मान भी मिल चुके हैं। मैं फिर से आपसे करबद्ध होकर के कल से आपसे विनती करता हूं, आप डॉक्टर सूफिया यास्मीन जी, आप प्रेमचंद जी के साहित्यिक अवदान पर अपने विचार रखें। डॉक्टर सूफिया यास्मीन जी, धन्यवाद। धन्यवाद विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और आज के इस अवसर पर आप सबने आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और पुणे विश्वविद्यालय ने ये कार्यक्रम आज प्रेमचंद जयंती, जो कि हमारे लिए सचमुच बहुत महत्वपूर्ण विषय है, डॉक्टर ममता जैन जी को मैं प्रणाम करती हूँ, डॉक्टर प्रशांत जी, प्रशांत चौधरी जी, प्रोफेसर आफताब शेख, प्रोफेसर मोइनुद्दीन खान, डॉक्टर शाकिर सेख, और विनोद जी को तो नमस्कार, और डॉक्टर बाबा शेख, आप सभी को मेरा प्रणाम। भूमिका अधिक ना बांधते हुए एकदम सीधे मैं विषय में आना चाहूंगी क्योंकि समय सीमा बहुत कम है और प्रेमचंद को 10 मिनट में समेटना बहुत ही मुश्किल काम है। प्रेमचंद
ममता दी ने जो कुछ भी ममता जैन जी ने बताया है मैं उन चीजों को एकदम रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। तो बात है कि जब हम प्रेमचंद की बात करते हैं तो एक युग की बात करते हैं हम प्रेमचंद से। इससे पहले जो कुछ भी लिखा जा रहा था वो केवल और केवल मनोरंजन के लिए लिखा जा रहा था, ये हम सभी जानते हैं कि वो समाज से एकदम ही जुड़ा हुआ नहीं था। लेकिन जब 1916 से लेकर 1936 का जो समय सीमा है, जो टाइम पीरियड है, इसमें पूरा प्रेमचंद जो है वो साहित्य को समाज से जोड़ने का काम करते हैं और पूरी तरह से जो हमारे इर्द गिर्द, हमारे जीवन में, हमारे आसपास जो कुछ भी घटनाएं घट रही होती हैं उसको पूरे यथार्थ रूप में अपनी कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से पूरे के पूरे समाज में चल रहे हर एक विषय को, हर एक पहलू को उकेर के, उभार के वो रख देते हैं हमारे सामने। इससे पहले तक जो साहित्य लिखा जा रहा था वो केवल मनोरंजन के लिए लिखा जा रहा था, इसलिए प्रेमचंद का कहना था कि साहित्य केवल मनोरंजन का विषय नहीं हो सकती, साहित्य को समाज से जोड़ना बहुत जरूरी है। हम सबसे पहले हम बात कर ले, पहले अनगिनत 300 से अधिक उन्होंने कहानियां लिखी हैं, 12-13 लगभग उपन्यास है जिसमें मंगलसूत्र जो है वो आधा अधूरा रह गया है उनका। तो इसमें सबसे पहले हम कुछ कहानियों को चुनिंदा जो कहानियां हैं, ईदा, दो बैलों की कथा, बूढ़ी काकी, कफर, शतरंज की खिलाड़ी, या फिर आपका फूस की रात ले ले, तो इसमें ठाकुर का कुआं, तो इसमें इन सारी जो, ये जो सारी कहानियां हैं इनमें हम समाज के बहुत सारे पहलुओं को देखते हैं। ईदगाह में एक बच्चे की जो प्रौढ़ता है कि हाँ अपना जो जीवन है वो किस तरह से जी रहा है, गरीबी को भी हम अपने विपरीत परिस्थितियों को भी किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, हमारी सोच अगर बहुत अच्छी है, उम्दा है, तो उन परिस्थितियों से एक बच्चा किस तरह से उबर सकता है, उस चीज को उन्होंने दिखाया। और किस तरह से अपनी दादी के प्रति जो उसकी भावना है, उसकी सोच है कि जो बच्चा 3 पैसे में अपने लिए ना मिठाई खरीदता है ना खिलौने खरीदता है, वो दादी के लिए चिमटा खरीद के लेके आता है क्योंकि उसको लगता है इससे ज्यादा उपयोगी कुछ हो नहीं सकता कि हाँ दादी का हाथ ना जले, दिन भर जो है वो रोटी बनाते हुए उसका हाथ जल जाता है। ये जो भावना दिखाते हैं वो एक कहानी में एक बच्चे के द्वारा इस चीज को वो उठा के रख देते हैं और इससे हमारे समाज को एक सीख दी जा रही है। वहीं पर हम कफन को ले लें, कफन में गरीबी की अति एकदम जो दयनीय स्थिति है कि घर में 2 इंसान ऐसे हैं जो कि एकदम ही नकारा है और वो किस तरह से जो है वो खाने के लिए, कि उबले हुए आलू तक खाने के लिए वो इस तरह से व्याकुल हो जाते हैं कि किसी तरह खाओ, और उधर जो है पत्नी प्रसव पीड़ा से जो है उसका देहांत होने वाला है लेकिन उस तक की भी फिक्र नहीं है और उसके कफन के पैसों तक को भी वो बेच के उसका बोझ खा जाते हैं कि चलो मर के उसको शांति मिलेगी। तो ये जो चीजें हैं कि गरीबी की अति को दिखाया गया है और वहीं पर एक स्त्री का जो अपने परिवार के लिए उसकी सारी जो क्या बोले कि पूरा पूरा का पूरा वो अपने आप को स्वाह कर दे रही है, उस चीज को भी यहाँ पर दर्शा रहे हैं। गरीबी के जमींदारों का जो उत्पीड़न है उसके कारण ही, क्योंकि अच्छा वेतन नहीं मिलता था इसीलिए काम नहीं करते थे और आलस के मारे जो भी मिलता था और घर की जो महिलाएं उसके ऊपर ही सारा कुछ पड़ जाता था। वहीं पर बूढ़ी काकी के द्वारा जो बुजुर्ग महिला है उसका और जानवर के राह दिखाया गया कि जानवर तक के खाने को किस तरह से वो खाने को तैयार है। शतरंज के खिलाड़ी में वहां का जो लखनऊ, आप देखिए इतिहास माने जब कथा रची जा रही है तो एक साहित्यकार का बहुत बड़ा ये योगदान होता है कि उस समय के परिवेश को, कि उस समय की परिस्थिति क्या थी, उस चीज को उठा के रख देते हैं। तो हम वहां पर लखनऊ में जो है उस समय क्या परिस्थिति थी वहां के समाज को पूरी तरह से शतरंज के खिलाड़ी में वो उठा कर रख देते हैं कि शतरंज खेलने में दोनों दोस्त एक दूसरे की जान तक ले लेते हैं लेकिन यहाँ वाजिद अली को जब मतलब गिरफ्तार करके ब्रिटिश लेके जा रहे हैं लेकिन उसकी परवाह नहीं है, लेकिन कट के वहां पर वहीं पे स्वाहा हो जा रहे हैं। तो उस समय की सामाजिक परिस्थिति को, और एक जो कुछ लोग ऐसे भी थे जो
लड़ना नहीं चाह रहे थे, आराम से जो है बैठे रह रहे थे, उन चीजों को भी जो है वो दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर और एक जो है फूस की रात में गरीबी की जो अति है उस चीज को दिखाया गया है कि किस तरह से कंबल एक माने सर्दियों पूस की रात में एक कंबल तक के लिए जो है वो पैसे नहीं है और किस प्रकार गाय जो है वो उसके पूरी के पूरी खेत को चढ़ जाता है, लेकिन वो फिर वहां बोलते हैं कि चलो अच्छा हुआ छूटूंगा, क्योंकि इतना ज्यादा पिस गया है इंसान कि अब मतलब और माने असहनीय हो गया, तब वो लगता है कि चलो अब जो हो गया अब ठीक है रहने दो। तो ये जो पीड़ा है एकदम कहानियों आप जितनी भी कहानियां ले लें उसमें मजदूर से लेकर स्त्री से लेकर बच्चों से लेकर समाज के मतलब एक ऐसे साहित्यकार जिसने हर एक पक्ष को उठाकर रख दिया है। यहीं पर हम आ जाते हैं उनके उपन्यासों पर। उसके उनके उपन्यासों में सबसे बड़ी बात यह लगती है हमको कि उन्होंने मजदूरों की पीड़ा को तो बहुत ही गहराई से जो है वो उठाया है। उन्होंने गोदान में किस तरह से जो धनिया की परिस्थिति है, होड़ी की परिस्थिति है, और किस तरह से जो है वो एकदम एक किसान से किस तरह से वो मजदूर बन जाता है, उस पूरे के पूरे जो यात्रा है उसको दर्शाया है। और वहीं पर वो विवाह विवाह को भी मतलब दिखा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को जो है बहुत एकदम जो शुरू में आदर्श था वो आदर्श खत्म होते होते एकदम यथार्थ में आ जाता है। और मैं और एक इसमें ये करना चाहूंगी कि उन्होंने स्त्री की जितनी भी समस्याएं हैं उस हर एक पहलू को उन्होंने उठाया, भले ही वो बहुत पुख्ता तरीके से वहां खड़े नहीं हो सके हैं कि जब जरूरत पड़ा अपनी जरूरत के हिसाब से मतलब वो पात्र को समाप्त कर देते हैं, लेकिन उन्होंने हर एक मुद्दे को विधवा विवाह हो, बाल विवाह हो, इन दहेज प्रथा हो, इन सारी समस्याओं को जो है उठाया है। वहां पर जो आश्रमों में व्यभिचार चल रहा था उन सारी चीजों को भी उन्होंने उठाया है। और इन ये एक ऑप्शन भी दिया है कि आप अपने अगर आप गलत रास्ते में चले जा रहे हैं तो आप अपने आप को जो है वो ठीक कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, उन चीजों को भी उन्होंने दिखाया है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक तो हमें नजर आती है, लेकिन कोई बात नहीं, इतने बड़े साहित्यकार हैं, जब इन्होंने पूरा का पूरा साहित्य जो लिखा है वो वाकई में बहुत बड़ा एक हम लोगों के लिए क्या बोले कि खजाने से कम नहीं है। और प्रेमचंद को जब बहुत अच्छे से जानना हो तब हमको प्रेमचंद घर में जरूर पढ़ना चाहिए, जो कि शिवरानी देवी जी ने अपने उस पूरे संघर्ष के दौरान और प्रेमचंद घर में किस तरह से हैं, किस तरह से वो एक साहित्यकार तो है ही है, साथ में घर की जरूरतों में वो पूरी तरह से जो है वो हाथ बटाते हुए नजर आते हैं। वो गरीबी में जो एकदम ही दरिद्र अवस्था में दो या तीन पैसे में जो है पलकर बड़े होते हैं, किस तरह से अपनी शिक्षा पूरी करते हैं, मास्टरी करते हैं, संपादक बनते हैं, बहुत उनकी इतनी लंबी मतलब यात्रा है। तो इस यात्रा में उन्होंने जो कुछ भी लिखा है इसको जब तक हम शिवरानी देवी को नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं एक अधूरापन हमारे इसमें रह जाएगा। क्या और समय है? नहीं तो यही पे समाप्त कर आप बोल सकते हैं, दो पांच मिनट आप बात कर। अच्छा, तो यहाँ पर प्रेमचंद जब घर में हम लोग मैं इसलिए ज्यादा जोर दे रही हूँ क्योंकि उन्होंने ये कहा है शिवरानी देवी ने कि प्रेमचंद के इस पक्ष को अगर आप नहीं जान पाएंगे तब ऐसा हो जाएगा कि उनके साथ अन्याय मतलब होता हुआ नजर आएगा। प्रेमचंद जब आप इतने कम पैसों में किस तरह से मतलब गुड़ जब खाने के लिए कुछ नहीं है, वो पढ़ रहे हैं 16 साल की उम्र में, तो वहां पर सिर्फ गुड़ से ही निर्वाह कर देते, सारा दिन भर जो है गुड़ और पानी पी के ही पढ़ाई लिखाई का काम चलता था। और किस तरह से उनको 5 रुपए जब पहली बार उनको उन्होंने एक नौकरी की तो उसमें 5 रुपए की सैलरी मिलती थी जिसमें से 3 रुपए उनको घर भेजना पड़ता था और 2 रुपए में अपना काम चलाना पड़ता था। और एक सौतेली माँ को झेलना मैंने उनका इतना बदव्यवहार था कि वो दिन पर दिन मतलब इनकी स्थिति कितनी खराब होती जा रही है, वो सारी चीजें जो है वहां पर हमें नजर आती है। और उसके बाद विवाह के बाद वो किस तरह से
अपनी पत्नी से साहित्य जितने भी वो लिख रहे होते हैं उस दौरान पात्रों को, उन सारी चीजों को जो है वो डिस्कस करते हैं वहां पर। हमेशा वो आलोचना करते हैं उन पात्रों को लेकर, कहां क्या करना है, नहीं करना है या क्या कर रहे हैं, इन सारी चीजें जो है उनके दिमाग में घूमती हुई नजर आती हैं। और वो खुद इन बहुत सारी जगहों में जा रहे हैं, वहां उन आश्रमों में रह रहे हैं और वहां की बातों को जो है वो लिखते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर आप एक बार मतलब जब हम पूरे साहित्य को पढ़ते हैं तो वहाँ इन चीजों को भी, उनके पूरी की पूरी जो जर्नी है उसको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और प्रेमचंद एक युग है पूरी तरह से, तो उस युग को जानना हमारे नई पीढ़ी के लिए और ज्यादा जरूरी होनी चाहिए। और उन्होंने जिन जो कुछ भी लिखा है वो वाकई में काबिले तारीफ है। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम जी, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में प्रेमचंद जी के सामाजिक और पारिवारिक व्यक्तित्व को उनके कहानी साहित्य और शिवरानी देवी जी के आत्मकथा के रूप में प्रस्तुत किया हुआ है। यानी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, यानी एक ओर देखिए कि जहाँ हामिद अपनी इच्छा आकांक्षाओं को दबा करके चिंता खरीदता है और वहां से लेकर कफन तक की जो यात्रा की, जहाँ अपनी मरती हुई प्रसव पीड़ा से मर रही स्त्री को भी ध्यान न देने वाला किशोर माधव का किस्सा आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में बात बता दी। इस समय नजीर बनारसी जी बहुत बड़े शायर हैं, उन पर प्रेमचंद जी पर उन्होंने लिखी हुई कविता याद आती है, बन के टूटे दिलों की सदा है प्रेमचंद, देश से कर गए हैं वफा प्रेमचंद, जब पूरी जवानी पर था साम्राज्य उस जमाने के रहनुमा है, एक आवाज है लाख दुखों के दुख लाखों दुखों के आवाज है प्रेमचंद। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप जो वक्ता नहीं है वे अपने माइक को म्यूट कर लें, आवाज बहुत हो रही है। कृपया सभी इस वेबिनार में सभी सम्मिलित लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि वे अपने वक्ताओं को छोड़कर के बाकी सभी अपने माइक को म्यूट कर लें, इससे खलल पैदा हो रही है। हाँ ठीक है, धन्यवाद। मैं फिर से उस कविता को पढ़ करके सुना रहा हूँ। नजीर बनारसी जो उर्दू हिंदी के बहुत बड़े शायर हैं, वे प्रेमचंद पर लिखते हैं, बन के टूटे दिलों की सदा प्रेमचंद, देश से कर गए हैं वफा प्रेमचंद, जबकि पूरी जवानी पर था साम्राज्य उस जमाने के रहनुमा है प्रेमचंद, देखने में शिकस्ता सा एक साज है साथ लाखों दुखी दिल की आवाज है। इतना ही नहीं, प्रेमचंद जी के कथा साहित्य उपन्यास कहानियों पर जिन्होंने तहकीक मुंशी प्रेमचंद जी के तहरीर मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से टीवी सीरियल बनाई, ऐसे महान हिंदी शायर गुलजार जी ने प्रेमचंद जी के 125वीं जयंती पर एक बहुत अच्छी गजल लिखी थी, उसकी सिर्फ दो पंक्तियां मैं आपके सम्मुख रखता हूं। प्रेमचंद की सोहबत तो अच्छी लगती है, प्रेमचंद की सोहबत तो अच्छी लगती है, लेकिन उनकी सोहबत में तकलीफ बहुत है, और यही तकलीफ जन जन की लिंग जाति वर्ण धर्म उपासना पद्धति इन सब से ऊपर उठ करके एक सामान्य मानव की आवाज बन करके जो प्रेमचंद उभरे थे उनको शतशत नमन है। इसके उपरांत मैं अध्यक्षीय समापन की ओर जाता हूं। डॉक्टर शाकिर शेख जी, आदेश है आगे चलाएं। प्रेमचंद जी की इस 143वीं जयंती पर हम जो राष्ट्रीय वेबिनार यहाँ कर रहे हैं उसके अध्यक्षता के समापन के लिए जिन्हें मैं आमंत्रित करना चाहता हूं उनका परिचय एक मिनट में आपके सम्मुख रखूंगा और उसके उपरांत हम उनकी मधुर वाणी को सुनेंगे।
आज के इस सत्र के इस वेबिनार के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत गुणवंतराव चौधरी जी, जो विगत 23 वर्षों से वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय में मराठी विभाग के अध्यक्ष के रूप में हमें सेवा दे रहे हैं। आप इस संप्रति आप प्राचार्य वेंकटेश महाजन महाविद्यालय के पद को शोभा कर रहे हैं, शोभा दे रहे हैं। साथ ही साथ मैं इनके परिचय में एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा कि आपने बचपन से राष्ट्रीय विचारों के विचारधारा के संगठनों में कार्य किया हुआ है और आपने युवावस्था में पत्रकारिता का काम किया हुआ है। आप एक मासिक द्विदल मराठी और अन्य भाषाओं का भी चलाते हैं, एक संपादक के रूप में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, मराठी व्याकरण में आपकी बहुत बड़ी रुचि है। हालांकि हम देखते हैं कि महाविद्यालय में आकर के व्याकरण की ओर छात्रों का उतना ध्यान नहीं रहता, परंतु सर मराठी व्याकरण को लेकर के बहुत सारा काम कर रहे हैं। आप हमारे महाविद्यालय के पहले यूट्यूबर हैं। आपने मराठी व्याकरण को लेकर के बहुत से यूट्यूब वीडियोस बनाए हैं जो अत्यंत लोकप्रिय हो चुके हैं। साथ ही साथ आपने जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं जिनमें खास करके मराठी व्याकरण और साहित्य के मराठी साहित्य के इतिहास को लेकर के आपने विद्या प्रकाशन से आपकी पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। एक इतना ही नहीं, आप एक कुशल प्रशासक के रूप में, चाहे वो विश्वविद्यालय के कार्य हो चाहे ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफिस के कार्य हो, इन सब में आपने एक बहुमुखी प्रतिभा का परिचय हमें करवाया है। ऐसे हमारे आदर्श प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत गुणवंतराव चौधरी जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप इस वेबिनार का अध्यक्षीय समापन करें। आप आमंत्रित हैं सर, आप अपने वक्तव्य से हमें उपकृत कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद विनोद जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? जी 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 सुन पा रहे हैं। जी जी वायम अंजुम खैरुल इस्लाम इस संस्था के पुना कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस और कॉमर्स तथा हमारे तपस्वी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट युवती के वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय उस्मानाबाद के हिंदी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में मुंशी प्रेमचंद जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस राष्ट्रीय वेबिनार के समापन सत्र में मुझे जो सम्मान आपने प्रदान किया है, इस कारण मैं प्रथमतः तो आभार प्रकट करता हूं। वैसे मैं मराठी भाषा का शिक्षक एवं अध्यापक हूं। हिंदी के सेमिनार में अध्यक्ष समापन करने की योग्यता में नहीं रहता, लेकिन फिर भी विनोद जी ने जो आग्रह किया वो आग्रह मैं टाल नहीं सकता था। जो दो वक्ताओं का वक्तव्य अभी हम सुन रहे थे, मुझे लग रहा था कि इन दोनों ही वक्ताओं को थोड़ा अधिक समय देने की जरूरत थी, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी 20वीं शताब्दी के एक ऐसे लेखक हैं, वो केवल हिंदी के नहीं है, हिंदी भाषा में लिखते हैं, इस कारण उन्हें हिंदी का कहा जाता है, लेकिन ऐसे लेखक मुंशी प्रेमचंद जी जैसे पूरी मानव जाति की विरासत रहते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। साहित्य के माध्यम से सर्वसामान्य व्यक्तियों का जो जीवन रहता है, उनकी जीवन की जो वेदना रहती है, उस वेदनाओं को शब्दांकित कर उसको व्यक्त करना, इस संदर्भ में अगर मुंशी प्रेमचंद जी को हम देखेंगे तो मैं तो ये मानता ही हूं, और आप सभी तो हिंदी के जानकार है, अभ्यासक है, मुंशी प्रेमचंद जी 20वीं सदी के भारत के एक महानतम उपन्यासकार तथा कथा लेखक है, इसमें कोई शंका या
कोई दूसरी बात हो नहीं सकती। सर्वप्रथम मैं हिंदी साहित्य आकाश के जगमगाते नक्षत्र, उपन्यास सम्राट, कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का 142वीं जन्म जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं और हिंदी साहित्य के सभी अध्येताओं को शुभकामनाएं देता हूं। इस वेबिनार के सफल और सुफल आयोजन के लिए पुना महाविद्यालय के हमारे सब साथियों का मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। जैसे अभी मैंने कहा और विनोद जी ने भी बताया, मैं मराठी भाषा एवं साहित्य का विद्यार्थी हूं, अध्यापक रहा हूं और हिंदी साहित्य का न्यूनाधिक पारायण भी कर चुका। हिंदी साहित्य विशेषकर कथा उपन्यास साहित्य में मुंशी प्रेमचंद जी का कोई सानी नहीं है। वे जितने हिंदी के बड़े लेखक है उतने ही बड़े लेखक उर्दू के भी रहे हैं। ऐसे में जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमें प्रेमचंद जी का स्मरण करना अनिवार्य हो जाता है क्योंकि आजादी की लड़ाई में उनका योगदान भी संस्मरणीय रहा है। वे जब नवाब राय नाम से उर्दू में लेखन कर रहे थे तो उनके प्रथम कहानी संग्रह सोच ए वतन या देश का दर्द में छपी कहानियों में राजद्रोह की झलक मिलने के कारण अंग्रेजों ने वे जब्त भी किए थे और एक महान देशभक्त भी थे। जब आप आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो ऐसे पावन अवसर पर ये जो विचार मंथन हो रहा है वो मैं बहुत ही उचित मानता हूँ। उनकी बहुत सारी कहानियां उनके संदर्भ में मैं पढ़ चुका हूँ। पंच परमेश्वर है जिसका अभी उल्लेख हुआ, ईदगाह है, बड़े घर की बेटी, दफन आदि मानवीय संवेदनाओं का यथार्थ चित्रण करने वाली कहानियां है। तो उनके उपन्यास गबन और प्रख्यात उपन्यास गोदान मानवीय इच्छाओं को प्रतिबिंबित करते हैं। इसी कारण सुप्रसिद्ध बंगाली लेखक शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी ने उन्हें उपन्यास सम्राट की पदवी से विभूषित किया था और गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने उनको हिंदी का अनमोल हीरा। आज के इस वेबिनार की अतिथि वक्ता जिन्हें अभी हमने सुना, डॉक्टर सुफिया यास्मीन जी जो विद्यासागर महाविद्यालय कोलकाता से है, और मुख्य वक्ता और प्रख्यात साहित्यिक डॉक्टर ममता जैन जी, तो ये दोनों वक्ताओं ने प्रेमचंद जी के जीवन और उनके साहित्य पर जो विस्तृत परिचय हमें दिया उसके लिए इन दोनों महानुभावों का हृदय की गहराई से कृतज्ञता प्रकट करते हैं। इस आयोजन के लिए पुणे महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर आफ्ताब अनवर शेख जी, उप प्राचार्य प्राध्यापक मोहिनुद्दीन खान जी, हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद शाकिर शेख जी और डॉक्टर बाबा शेख जी का विशेष अभिनंदन मैं करना चाहूंगा, जिन्होंने इतने बड़े सारस्वत अनुष्ठान का आयोजन किया और हमें भी संयोजक बनने का अवसर प्रदान किया। डॉक्टर मोहम्मद शाकिर जी हमारे महाविद्यालय के आयोजित स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा का भारतीय साहित्य पर प्रभाव इस संगोष्ठी में पधार भी चुके हैं। डॉक्टर बाबा शेख जी तो खैर हमारे उस्मानाबाद के भी है, पुना कॉलेज के हिंदी विभाग के आयोजन में हमारे महाविद्यालय के हिंदी विभाग और हमारे छात्रों ने समय समय पर जो सहभाग लिया है वो भी महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने पुना महाविद्यालय के साथ सामंजस्य अनुसंधान भी किया है। हमें इस बात का आनंद है कि हम इस आयोजन का हिस्सा बने हैं। इसलिए हमें हमारे हिंदी विभागाध्यक्ष जिन पर हम सभी को बहुत जिनका हम गर्व महसूस करते हैं, डॉक्टर विनोद कुमार वाइचल जी और हमारे साथी डॉक्टर संजय जोशी जी, हम उन पर नाच करते हैं और जो सदैव नवाचार युक्त उपक्रमों का आयोजन करते रहे हैं, मुझे बहुत ही आनंद होता है कि आज का भी उपक्रम विनोद जी के प्रयासों के कारण ही हो चुका है। एक उल्लेख करना मैं जरूरी समझता हूँ। इस आज के समारोह में
हमारे तपस्वी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष और विद्या भारती उच्च शिक्षा विद्या भारती शिक्षा संस्थान के पश्चिम क्षेत्र मंत्री श्री शेषाद्री जी डांगे भी मुझे लगता है पूरे समय उपस्थित है और उनको भी उनका भी धन्यवाद प्रकट करना मैं मेरा दायित्व समझता हूँ। सभी महानुभावों का वक्ताओं का हृदय की गहराई से मैं अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। धन्यवाद मनोज जी। धन्यवाद सर। सर मैं आपसे पूरी तरह से एक मिनट मैं सर से पूरी तरह से सहमत हूँ कि मेरी तरफ से भी ये शिकायत है कि अब जब कार्यक्रम किया जाए कम से कम मैंने 20 मिनट से आधा घंटा एटलीस्ट टाइम दिया जाए क्योंकि प्रेमचंद जैसा विषय है तो वो मैंने एकदम अन्याय हो जाता है 10 मिनट कम से कम 25 मिनट जी। धन्यवाद मैडम। अगली बार जो भी हम कार्यक्रम आयोजित करेंगे सर हम आपको अच्छा समय देंगे। अगली बार सभी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मैं भी इतना सुंदर आयोजन किया आपने प्रेमचंद जी को हमारे बीच पुनर्जीवित किया। डॉक्टर शेख जी और दोनों महाविद्यालय को मेरा नमन उनके हिंदी शिक्षकों को मेरा नमन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तीन मिनट और बाकी है बाबा सर के लिए क्योंकि हमारा यही रहता है कि हम लोग ठीक समय के ऊपर कार्यक्रम प्रारंभ करें और उसे सही समय पर हम लोग समाप्त करें क्योंकि सभी का यहाँ पर बहुत ही कीमती समय है। सभी ने अपना अपना कीमती समय निकाला और वैसे भी आज रविवार का दिन है लेकिन हम एक साहित्यिक अनुष्ठान में सहभागी हुए हैं। हम भी इससे कृतार्थ हुए हैं। हमारा भी इससे ज्ञान भी बढ़ा है और जो भी सुनने वाले हमारे छात्र है YouTube को जो भी दुनिया भर में जो YouTube जाने वाला है ये जो चल रहा है YouTube लाइव चल रहा है हमारा हमेशा YouTube के ऊपर ही वीडियो रहने वाला है तो हम लोग हमेशा इन हमारे जो दोनों भी वक्ता जी उनसे हम लोग लाभान्वित होते हैं उनके ज्ञान के। और प्राचार्य महोदय का तो प्रशांत चौधरी जी आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने हमें आपके अपने साथ सम्मिलित किया और इस महा अनुष्ठान में आपने हमें अपना सहभागी बनाया। विनोद जी अगला कार्यवाही आप करेंगे शायद बाबा सर का भी समय हो गए ठीक 12:05 जी। धन्यवाद। इस आज के वेबिनार का समापन होने से पूर्व मैं अंजुमन खैरुल इस्लाम पुना कॉलेज के हिंदी विभाग के हमारे मित्र डॉक्टर बाबा शेख जी से सविनय प्रार्थना करता हूं कि आज वे इस वेबिनार का आभार प्रदर्शन या कृतज्ञता ज्ञापन करें। बाबा शेख जी धन्यवाद। विनोद सर जी आर्ट साइंस एंड कॉमर्स के पुणे तथा तपस्वी पब्लिक ट्रस्ट वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय तत्वावधान में मुंशी प्रेमचंद जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित ममता जैन मैडम आपने अपना मौलिक समय हमें दिया तथा अपने वक्तव्य में ईदगाह हमीद बड़े भाई सामाजिक समस्या के सभी पहलुओं को हमारे शोधार्थी है छात्र है सभी के सामने रखा साथ ही उपन्यास गोदान उपन्यास और उनकी मजदूरी की जो समस्या है उस पर आपने विचार के और आपने समय दिए इसलिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। साथ ही हमारी दूसरी जो अतिथि वक्ता है डॉक्टर सुप्रिया यास्मीन मैडम जो कोलकाता से है इन्होंने ही बहुत उनके पास तो बहुत सारा जिसे कहेंगे हम ज्ञान था किंतु उन्होंने कम से कम शब्दों में प्रेमचंद जी की एक युग की बात की है और उन्होंने लगभग दो बैलों की कथा शतरंज की खिलाड़ी ईदगाह कहानी की कथा हमीद का जो अपने दादी के प्रति प्रेम है प्रभाव है आदर है इसके बारे में आपने सभी के सामने अपने विचार प्रस्तुत किए साथ ही बुढ़ी काकी की समस्या को सभी के सामने रखा
और शतरंज की खिलाड़ी तो लखनऊ की जो परिस्थिति थी उसके बारे में आपने रखा, इससे मैडम आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथ ही प्राचार्य डॉक्टर प्रशांत चौधरी सर इस वेबिनार के अध्यक्ष सर, आपने भी, आप मराठी भाषिक हैं मगर आपके वक्त ऐसा नहीं लगा कि आप मराठी है, हमें तो लगा कि आप एकदम शुद्ध हिंदी बात करते हैं, और आपने 19वीं शताब्दी में प्रेमचंद का योगदान और प्रेमचंद का जो कार्य है मानव जाति के लिए उन्होंने किया उसको भी आपने कहा, साथ ही आजादी के लड़ाई में प्रेमचंद जी के योगदान को आपने सभी के सम्मुख रखा, और साथ ही परमेश्वर बड़े घर की बेटी और गोदान के मानवीय जो मूल्य है और उस समस्या को आपने रखने का प्रयास किया, इसलिए सर आपका भी दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के साथ हमारे वेबिनार के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर आफ्ताब अनवर शेख सर, सरकार स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण सर जुड़ नहीं पाएंगे, इसलिए क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि जो भी हमारा राष्ट्रीय हो अंतर्राष्ट्रीय कोई भी अगर सेमिनार या संगोष्ठी होती है या कोई भी कार्य होता है तो यह सब जो भूमिका होती है हमारे प्राचार्य महोदय की होती है, और उनके कारण ही हम यह सब आयोजन कर सकते हैं, इसलिए सरकार की मैं तहे दिल से मैं आभार करता हूँ। साथ ही हमारे प्राचार्य जो कला संख्या के हैं प्रोफेसर खान मोहिद्दीन सर, सरकार भी हमेशा हमें मार्गदर्शन मार्गदर्शन रहता है, आपके प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही अभी सर ने जिक्र किया डॉक्टर शेषाद्री डांगे सर, सर आप भी वेबिनार से जुड़े और हमारे इस वेबिनार में आपने सभा किया, इसके प्रति मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही हमारे मित्र डॉक्टर विनोद कुमार वाइचो अध्यक्ष हिंदी विभाग, आपका भी सर मैं तहे दिल से आभार करता हूँ। साथ ही डॉक्टर मोहम्मद शाकिर सर अध्यक्ष हिंदी विभाग पुना कॉलेज, हमारे जो दूसरे मित्र हैं डॉक्टर संजय जोशी सर, आपका भी सर धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। साथ ही इस वेबिनार में जुड़े समग्र देश के सभी अध्यापक गण, हमारे आदरणीय डॉक्टर शाहबुद्दीन शेख सर, डॉक्टर माधुरी नगरकर मैडम और जितने से भी हमारे सभी अध्यापक गण विद्यार्थी तथा छात्र छात्रों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आपके कारण ही इतना बड़ा अनुष्ठान सफल हो गया और संभव हो गया, इसलिए मैं फिर से हमारे अंजुमन खैरुल इस्लाम कॉलेज तथा महाजन वरिष्ठ महाजनों के ओर से आप सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद सर। फीडबैक लिंक के बारे में कुछ बताइए। बाबा शेख जी इमरान सर ने सर विनोद जी फीडबैक लिंक यहाँ पर विनोद जी ने साझा की हुई है हमारे इमरान बेग मिश्रा सर ने, तो आप इसे अभी भी भर सकते हैं या तो आप हमें व्हाट्सएप या मैसेज भी करेंगे तो हम आपको लिंक दे देंगे सर, जो भी प्रतिभागी है पत्रिका में तो हमारा नंबर है सर। मैं लिंक ऑलरेडी शेयर किया हूँ सर। हाँ शेयर किया हूँ, फिर से एक बार कर दिया हूँ सर। जी जी धन्यवाद धन्यवाद अमीनो जी, इस कार्यक्रम को यही हम लोग अभी समाप्त करेंगे। ठीक है सर, इनका हार्दिक का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद जी धन्यवाद। ठीक है आप सभी मीट को छोड़ सकते हैं। धन्यवाद शेखर सर, धन्यवाद सभी सर को जो हम लोग ने हमें सभी सेमिनार में बुलाया और बहुत अच्छा सभी ने बोला, अच्छा लगा, कुछ हमें सीख मिली, धन्यवाद।